बाड़मेर में लोकसभा चुनाव को लेकर 29 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान को लेकर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी को लेकर इन दिनों मतदान अधिकारियों को द्वितीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में दक्ष प्रशिक्षकों व मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान दलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही ईवीएम व वीवीपैट का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। लोकसभा आम चुनाव के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के निर्देशन में इन दिनों राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान दल में शामिल होने वाले पीठासीन अधिकारियों, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी एवं तृतीय मतदान अधिकारियों को चुनाव करवाने की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान दक्ष प्रशिक्षकों की ओर से मतदान अधिकारियों को सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही स्तरों पर प्रशिक्षण किया जा रहा है। प्रायोगिक में मतदान अधिकारियों को ईवीएम वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट संचालक के साथ ही मॉक पोल की बारीकियों से रूबरू कराने के साथ ही उनकी जिज्ञासा को भी शांत किया जा रहा है। वहीं सैद्धांतिक प्रशिक्षण में प्रोजेक्टर के माध्यम से मतदान अधिकारियों को मतदान के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, आने वाली समस्याओं और संभावित हल से भलीभांति जानकारी दी जा रही है ताकि मतदान के दौरान कोई परेशानी ना हो। प्रदेश में 29 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा आम चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग इस बार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ मतदाताओं को भी चुनाव में मतदान करने के लिए जागरूक करने का कार्य कर रहा है। वहीं मतदान दलों को भी संपूर्ण जानकारी के साथ ट्रेंड किया जा रहा है।